अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हम जो कर रहे थे उस पे हम वापस आ जाते हैं। इसको हम चला के देख लेते हैं। सीडी किधर था मैं? 12 1 to 1 चैट। क्या हो गया इसको? अच्छा, CD5 रिएक्ट पहले। CD12 1 to 1 चैट। NPM रन डेव। NPM रन डेव और साथ में CD वेब NPM स्टार्ट। राइट, इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, और हम चले गए। हमने क्या किया था लास्ट टाइम? हमने सेटिंग ये की थी कि चैट की स्क्रीन हमने गलती से गलत बना दी थी। सही है, गलत ये बनाई थी कि उसमें बंदे की लिस्ट नहीं आती थी, डायरेक्ट चैट स्क्रीन आ जाती थी। तो हमने फिर जुगाड़ ये किया कि भाई जो बंदे की पोस्ट है ना, यहाँ पे मैसेज का बटन दबा के मैं जाऊँगा इसमें। तो अब की बार ये कौन सा बंदा है मेरे सामने? ये jumbo@dumbo.com है। वाह, अच्छा, तो चलो इसको मैसेज करते हैं। लेकिन यार इसको मैसेज नहीं करते, एक दूसरा अकाउंट भी मैं लॉग इन कर लेता हूँ साथ साथ। कौन से वाले अकाउंट पे? अच्छा, इस पे तुम हो? अच्छा, आप करो, हेलो करो सामने से मुझे, दोबारा करके बताना, फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इधर आएगा। हाँ सही, आ गया यार मैसेज। अच्छा, ये कल वाला ही कोड है, इसमें कोई भी चेंजेस अभी तक मैंने नहीं किए। अच्छा, अब हमने यहाँ से जो है ना, यार बल्कि तुम एक काम करो, मुझे ना यहीं पे इसका पासवर्ड तुम बताओ, इस वाले अकाउंट का ना। मैं क्या करने लगा हूँ, एक इनकॉग्निटो खोलने लगा हूँ। हाँ क्या है भाई? jumbo@dumbo.com DOMBO डी अच्छा भाई, तो ये वाला आ गया। अच्छा, अब इसमें मैं मैसेजेस तो देख नहीं सकता अभी फ़िलहाल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस वाले अकाउंट की कोई पोस्ट यहाँ अगर पड़ी, जैसे ये abc@abc.com है, ये उस वाले अकाउंट की पोस्ट है, तो यहाँ से मैसेज का बटन दबाऊंगा तो मैं उसे स्क्रीन पे चला जाऊँगा। सही है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि IM Jumbo। सही है, क्योंकि ये जम्बो के अकाउंट से मैसेज हो रहा है। एंटर, और ये यहाँ से चला गया। अब जब मैं इधर जाऊँगा तो ये रियल टाइम में नहीं मिल रहा है, मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा पेज को। तो ये IM Jumbo यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, मैं इसको बोलूँगा IM ABC। मैंने ये लिख के एंटर किया तो यहाँ से IM ABC चला गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला मैसेज आएगा, IM ABC वाला। तो यहाँ पे ये 1 to 1 जो चैट था हमारा, ये लास्ट क्लास तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हमने दो काम करना है। नंबर एक तो इसको रियल टाइम में करना है कि ये रियल टाइम में मेरे पास नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, अब ये रियल टाइम का जो चक्कर है ना, ये चक्कर क्या है भाई, HTTP में और रियल टाइम में फ़र्क क्या होता है? वैसे तो ये डिटेल ज़रा लंबी है, लेकिन ज़रा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो HTTP की रिक्वेस्ट होती है ना, हमने जब सर्वर स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने एक डिस्कशन की थी कि जो HTTP की रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक कैसे पहुंचती है और वापस कैसे आती है। कोई ज़रा सा रिकॉल करा दे, एक दफ़ा खड़ा हो गया। HTTP की रिक्वेस्ट जब मेरे सर्वर, जब मेरी मशीन से निकलती है, मेरे कंप्यूटर से या मोबाइल से, और वो सर्वर तक कैसे पहुंचती है और वापस कैसे आती है, ये हमने बात डिस्कस की थी। हाँ होता हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस स्टोरी में एक बात नोट करने वाली ये थी कि जब मेरे कंप्यूटर से या मेरे मोबाइल से कोई रिक्वेस्ट निकलती है
तो वो जो रास्ता तलाश करते हुए जब जाती है ना, तो उस रिक्वेस्ट के हेडर में एक बन रही होती है राउटिंग टेबल, अच्छा उस राउटिंग टेबल में ना वापस, यानी जिधर जिधर से वो गुजर रही है वो सही सही रास्ता पता लगा हुआ है उसमें। अच्छा जब वो सर्वर पे पहुंच गई रिक्वेस्ट, तो उसके पास वो पूरी बात लिखी हुई कि वापस कैसे जाना है ना। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे वो एक स्टोरी सुनते थे ना बचपन में, कि एक बच्चा है उसको कोई किडनैप करके ले जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक एक दाना गिराते हुए जाता है और फिर उसी दाने को देखते देखते वो वापस आ जाता है। तो रिक्वेस्ट भी जब जाती है ना जहाँ जहाँ, तो वहाँ वहाँ वो एक एक दाना गिराते हुए नहीं एक्चुअली, बल्कि वो एड्रेस नोट करते करते पर्ची में वो पर्ची अपने साथ ले जाती है, लिहाजा वापस उसी एड्रेस से उसने आना होता है। तो HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो सर्वर पे पहुंची, सर्वर को पता लग गया कि अच्छा यार ये राउटिंग टेबल है, उस रास्ते से सर्वर ने उसको वापस भेज दिया, दैट्स इट, बात ख़त्म। अब जो रिक्वेस्ट जो पहुंची थी सर्वर पे ना, सर्वर उसका कोई रिकॉर्ड अपने पास सेव नहीं करता, ये HTTP रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट गई, जो भी उसका प्रोसेस था, जब तक वो रिक्वेस्ट वहाँ मौजूद है ना, जब तक उस पर्ची को संभालता है सर्वर कि अच्छा ये बंदा आया था, ये पर्ची लेके आया था, वापस जाते हुए यही पर्ची देके भेजूंगा उसको मैं, वापस जाते वो पर्ची देके जब उसने वापस भेज दिया, तो सर्वर उस पर्ची को संभाल के नहीं रखता, वो दे के मतलब अपने आप में कुछ नहीं सेव करता वो। अच्छा यही वजह है कि REST API जो है वो मेमोरी एफिशिएंट भी है और फास्ट भी है, मेमोरी एफिशिएंट और फास्ट दोनों के पीछे एक ये बड़ी वजह है। ऑन अदर हैंड हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है, दैट इज़ कॉल्ड सॉकेट प्रोटोकॉल, सही है। हम जो अभी रिक्वेस्ट अभी तक करते हैं वो हम कौन से प्रोटोकॉल के तहत करते थे, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। और अब एक नई तरह का प्रोटोकॉल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, दैट इज़ कॉल्ड सॉकेट प्रोटोकॉल। अच्छा बाय द वे ये दोनों प्रोटोकॉल जो है ना, सॉकेट और HTTPS, ये दोनों प्रोटोकॉल ऑन द टॉप ऑफ TCP बने हुए हैं। TCP किसी को पता है क्या चीज़ होती है, एक्सप्लेन कर दो ना TCP, वो तो स्टैंड फॉर बताया तुमने, थोड़ा सा कोई अगर किसी को पता है तो एक्सप्लेन कर दे कोई, ये TCP क्या चीज़ होती है। TCP हाँ भाई, किसी को भी याद आ रहा है TCP, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्या चीज़ होती है। हाँ बिल्कुल, जवाब तो तुमने बहुत अच्छा दिया है और बात सही बताई है। इसने बोला भाई TCP जो होता है वो क्या करता है, वो एक एक पैकेट का रिकॉर्ड रखता है और एक एक पैकेट को छोड़ के भेज के छोड़ता है, और UDP में ऑन अदर एंड ऐसा नहीं होता, ठीक है। बात तो सही की है बिल्कुल, लेकिन मैंने तुमसे पूछा था कि ज़िशान कौन है, तुमने बोला एक होता है ज़िशान एक होता है फरहान, ये दोनों भाई हैं। ज़िशान जो गुटखा खाता है लेकिन फरहान को पान पसंद है। अब मैंने पूछा था कि ज़िशान कौन है, तो भाई कौन बताएगा कि ज़िशान कौन है, मैनेजमेंट का बंदा है। अच्छा यार ये जो TCP और UDP है ना, ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों असल में एक ही चीज़ है, ये दोनों के बस एक को पान पसंद है एक को गुटखा पसंद है, सही है। ये TCP क्या चीज़ होती है, असल में जब भी इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन होती है ना, तो डेटा को तारों के अंदर घुसा के भेजना तो है ना, डेटा को तारों में डाल के भेजना है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तारों में हमने ये देख लिया था कि तार के ज़रिए या फाइबर केबल के ज़रिए जब डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें सिर्फ ऑन ऑफ होता है बस। अगर फाइबर है तो उसमें लाइट जल बुग हो रही होती है, जब जली हुई है तो 1 है और जो बुझी हुई है तो 0 है, और अगर तार के ज़रिए हो रहा है, कॉपर वायर के ज़रिए जो RJ45 केबल यहाँ नीचे सब जगह लगी हुई है, इसमें क्या होता है कि करंट होता है, ठीक है। करंट में 3 वोल्ट जब है तो उसको 0 कंसिडर करते हैं, 5 वोल्ट पे उसको 1 कंसिडर करते हैं, तो वो करंट ऊपर नीचे ऐसे हो रहा होता है या समझ लो ऑन ऑफ हो रहा होता है। तो इस तरह से डेटा जो है तार में सिर्फ 0-1 की फॉर्म में ट्रैवल हो सकता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए 0-1 में,
तो उसका एक तौर तरीका लिखा हुआ है, सही है, जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब उसी को फॉलो करते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मॉडेम, अब तो खैर मॉडेम का कार्ड नहीं लगा हुआ था, लेकिन पहले कार्ड होता था बकायदा इसका, तो उस कार्ड के अंदर यही प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि जी अगर कंप्यूटर बोलेगा कि टेक्स्ट फाइल है इसको भेजो इंटरनेट के फलां आईपी एड्रेस पर रवाना कर दो उसको, तो वो क्या करेगा, वो मॉडेम क्या करेगा, जो इंटरनेट का ड्राइवर या इंटरनेट की चिप जो भी है आपके पास लैपटॉप में, अब बिल्ट इन होती है वाईफाई वगैरह, तो वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। उसके 7 लेयर्स होते हैं, याद आ गया TCP लेयर्स, तो उसके 7 लेयर्स होते हैं, यानी 7 अलग अलग हिस्सों में उसको वो कन्वर्ट मारता है, ठीक है। और जब वो सातों, समझ लो 7 मशीनों से होके गुजरता है वो डेटा, एक मशीन है वो समझ लो कि जो है ना काज बना रहा है, अगले मशीन पे गया वो जिप लगा रहा है, अगले मशीन पे गया वो पॉकेट लगा रहा है ना, ऐसे कपड़ा जब तैयार होता है तो इसी तरह होता है, तो आप समझ लो कि 7 मशीनों से होते हुए गुजरता है आपका डेटा, और जब वो कम्प्लीटली 7वीं मशीन से गुजरता है तो वो टेक्स्ट फाइल कम्प्लीटली बाइनरी बन चुकी होती है। उसको भेजा जाता है तारों के अंदर, जब वहाँ पे पहुँचता है डेटा जिसको भेजा है मैंने, वहाँ पे यही 7 मशीनें लगी हुई हैं लेकिन अपोजिट फॉर्म में, वो बाइनरी को लेता है और वो उनको दोबारा उन्हीं 7 मशीन से अपोजिट वे में गुजारता है, तो जब उस तरफ से निकलती है तो वो टेक्स्ट फाइल बन चुकी होती है। ये मैं आपको बहुत हाई लेवल पे समझा रहा हूँ, ठीक है, कल को कोई मुझे कोर्ट ना करेगा सर आपने तो ये बोला था ये तो पता नहीं कुछ और है। ये मैं बहुत हाई लेवल पे समझा रहा हूँ, यानी आपको बिल्कुल बच्चों वाला करके समझा रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में तो इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं। तो वो जब उसके पास पहुँचता है तो वो उन्हीं 7 मशीनों में से उसको दोबारा गुजारता है उस बाइनरी को, दूसरी तरफ से वो टेक्स्ट फाइल निकल के आ जाती है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये दैट इज़ कॉल्ड TCP प्रोटोकॉल। अच्छा, अब टेक्स्ट फाइल तो ये हो गया, अब ऑन द टॉप ऑफ दैट HTTP कैसे बना, ऑन द टॉप ऑफ दैट HTTP ऐसे बना कि HTTP बोलता है कि यार मेरे, मैं जो टेक्स्ट फाइल भेजूंगा ना उसमें एक हेडर होगा एक बॉडी होगी, हेडर में क्या क्या होगा, टाइप होगी, ये होगा वो होगा, या दैट्स व्हाई, तो वो सारा ये HTTP प्रोटोकॉल बताता है हमें। तो HTTP प्रोटोकॉल वाला काम ये पहले होता है, HTTP प्रोटोकॉल अपना काम करके, अच्छा HTTP प्रोटोकॉल कौन हैंडल करता है, एक्सियोस, सही है, ये एक्सियोस जैसी लाइब्रेरीज या अंडर द हुड एक्सियोस जिसको भी यूज़ कर रहा है वो लोग ये करते हैं, सही है, ठीक है। ये भी अगेन मैं हाई लेवल में बता रहा हूँ, कल को फिर आप में से कोई ये ना बोलेगा सर एक्सियोस तो ये नहीं करता, ये तो पता नहीं कोई और ही करता है, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि HTTP वाला कन्वर्जन कौन करता है, सही है, लेकिन एक समझने के लिए बात है। तो वो HTTP की जो प्रोसेसिंग है ना सारी, कि यार HTTP में क्या चीज़ कहाँ होगी, अच्छा जो S लगा हुआ है वो क्या, वो SSL सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट के एक्सचेंज कैसे होगा, इसमें सर्टिफिकेट कैसे रख के भेजेंगे, क्या होगा, तो वो सब। लेकिन एट द एंड वो HTTP क्या देता है, TCP को एक फाइल देता है जो कि टेक्स्ट फाइल होती है, TCP उसको मारता है बाइंड्री भेज देता है, जब वहाँ निकलता है ना वो वापस बाइंड्री में, तो उसको बाइंड्री को जब वापस टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया होता है कि जो मैं भेज रहा हूँ ये क्या है, HTTP रिक्वेस्ट है, तो वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल बनाने की हद तक नहीं रुकता, उसको वापस वो उसको JSON में भी कन्वर्ट करता है, और वो पूरा HTTP वाला वो हिस्सा वो पकड़ के बाहर करता है, फिर उसके अंदर देखता है अच्छा हेडर में ये है तो ये कर दो, बॉडी में ये है तो ये कर दो, मतलब वो बाकायदा एक प्रोसेस। तो ये 7 से बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया, 8वां लेयर कौन सा आ गया, ये आपका HTTP लेयर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये HTTP और जो सॉकेट है ये दोनों भाई भाई हैं। अच्छा, तो अभी तक हम जो रिक्वेस्ट करते थे वो HTTP रिक्वेस्ट थी, लेकिन अब जो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो वो सॉकेट की रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, सॉकेट की जो रिक्वेस्ट है अब क्या होगा, वो 7 लेयर TCP की हैं, उसके साथ एक 8वीं लेयर अब होगी सॉकेट की। अच्छा, सॉकेट में भी उसी तरह हेडर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस ये है कि जब इस तरह की रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पे, तो जैसे मैं कह रहा था ना कि वो हेडर में एक वो पूरी टेबल बन रही होती है, तो वो जब वहाँ पहुँचता है सामने वाले सर्वर पे, तो वो उसको एक तो उसकी बॉडी निकालता है वो, और उसको उसका जो एड्रेस है ना वो नोट कर लेता है अपने पास, उसको वो ज़ाया नहीं करता। अच्छा, लिहाजा जैसी रिक्वेस्ट जाती है जवाब दे देता है वो, लेकिन वो संभाल लेता है अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ, जब चाहे वो इसमें मैसेज भेज सकता है। अच्छा, मैं भी यहाँ से इस चीज़ के लिए रेडी रहता हूँ, कि वो कुछ भेजेगा तो मैं पकड़ लूँगा यहाँ से। तो ये है सॉकेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सॉकेट इसको इसलिए कहते हैं कि आप इमेजिनरी तौर पे ना सर्वर से यूँ जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे सॉकेट प्लग आपस में जुड़ जाता है ना। सॉकेट असल में कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें जो सुराख होते हैं गोल गोल, तो वो सुराखों को सॉकेट कहते हैं, ठीक है, उसमें आप प्लग इन हो जाते हैं। तो कहीं पे भी जहाँ पे भी सॉकेट होता है वहाँ पे प्लग इन हो सकते हैं आप,
ठीक है। अच्छा, इस तरह के सॉकेट और भी होते हैं, जैसे बॉल सॉकेट जॉइंट होता है आपकी बॉडी में, है ना, जो आपका ये जो बाजू है इसमें एक्चुअली बॉल होता है, एक आपके जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसके एंड पे एक बॉल होता है, और जो आपके गर्दन के साइड जो पार्ट है वहाँ पे एक गोल सा सॉकेट होता है, तो यूँ एक दूसरे के अंदर होते हैं ये, जब भी आपका बाजू इजीली मूव कर पाता है, ठीक है, तो बॉल सॉकेट जॉइंट है। तो ये सॉकेट आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका जो जबड़ा है एक्चुअली जुड़ा हुआ है वो भी सॉकेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, कि एक तरफ वो बॉल टाइप होता है, दूसरी तरफ वो होता है, ठीक है। और अब जो तुम लोगों के जहन में ख्याल आ रहा है वो भी सही है सारे हंस रहे हैं ठीक है। तो जैसे प्रोसेसर जहाँ पे लगाते हैं ना, प्रोसेसर जो लगाते हैं, प्रोसेसर देखा है ना किसी ने, जो अब तो खैर वो बिल्ट इन आते हैं सब प्रोसेसर, पहले निकलते थे, तो वो प्रोसेसर का जो इतनी सारी पिन्स होती है ना, उसको भी हम सॉकेट कहते हैं। तो सही है, बाकी सबसे कॉमन जो सॉकेट है वो ये वाला है जो बिजली का होता है, सब ने देखा भाई। तो इसी तरह हम क्या कर लेते हैं कि अपने सर्वर के साथ ना, हम सॉकेट से हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और सर्वर के साथ हमारा लाइव एक कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि सर्वर के साथ मैं बिल्कुल कनेक्ट हो गया और सर्वर मुझे खुद ही कुछ भेजता रहेगा, मुझे कुछ वहाँ से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ लो जो मुझे याद आ गई अभी, जब हम सर्वर से कोई चीज़ मांगते हैं ना, यानी कि HTTP वाली रिक्वेस्ट करते हैं जब हम, तो दैट इज़ कॉल्ड पुल मैकेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड पुल मैकेनिज्म, कि हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो देता है हमें, तो वी आर पुलिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर ना, या फैच भी उसको कहते हैं या पुल कहते हैं, तो ये पुल मैकेनिज्म है। अच्छा, जब सर्वर खुद से भेजता है ना बगैर कुछ मेरा सवाल किए, तो दैट इज़ कॉल्ड पुश मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे हम कहते हैं पुश नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन खुद आती है ना, हम तो नहीं मंगवाते, हम बटन दबाते हैं रिफ्रेश के आएगा कुछ, ऐसा नहीं होता, नोटिफिकेशन खुद आती है, ठीक है, तो वो पुश मैकेनिज्म के थ्रू आती है, कि ये सर्वर को पता होता है मेरे मोबाइल के बारे में, सर्वर भेजता है मेरे मोबाइल पे आ जाती है। तो हमारे पास जो सॉकेट की जो रिक्वेस्ट होती है ना, उसमें क्या होता है, सर्वर पुश मैकेनिज्म के थ्रू मुझे डेटा भेज रहा होता है, भेज सकता है, जब चाहे भेज सकता है, अथॉरिटी दे देते हैं हम कि पुश करो, सही है। अच्छा, अथॉरिटी जितने भी पुश मैकेनिज्म है सब में क्या करता है, क्लाइंट अथॉरिटी देता है तो पुश होता है, क्लाइंट एक बार बोलता है कि हाँ यार कर देना, वो पुश करता है तो आने लग जाता है इधर डेटा, सही है। ऑन अदर एंड अभी तक जो हम करते आए हैं, जितना भी काम अभी तक हमने किया है, दैट इज़ कॉल्ड पुल मैकेनिज्म, या फैच हमने किया है, डेटा हमने फैच किया है, क्योंकि अभी आप देखो हम क्या करते हैं, एक यूज़र दूसरे यूज़र को मैसेज भेजता है, जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करता वो मैसेज मेरे पास अपेयर नहीं होता है, सही है। तो ये पुल और पुश मैकेनिज्म का डिफरेंस भी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब ये बात हो रही थी कि अच्छा जी, अगर सर्वर पुश कर पा रहा है मेरे पास, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड ये है कि जब मेरा यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सॉकेट वाली रिक्वेस्ट करता है, या अच्छा इसको हम कहते हैं लाइव रिक्वेस्ट, ठीक है, सॉकेट की जो रिक्वेस्ट होती है ना, इसको हम लाइव रिक्वेस्ट कहते हैं, सही है। अभी नहीं, लाइव नहीं कहते, पता नहीं कुछ इसका अच्छा नाम होता है, लॉन्ग लिव्ड, सॉरी, हाँ लॉन्ग लिव्ड, ये रिक्वेस्ट होती है लॉन्ग लिव्ड। तो लॉन्ग लिव्ड जो है ना, वो सॉकेट के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट होती है, सही है। एक तो हमने HTTP देखा और दूसरा भी हम देख रहे हैं सॉकेट, तो सॉकेट इज़ नॉट दी ओनली लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट, लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट और भी होती हैं, सही है। अब वो कौन सी होती हैं वो अभी मैटर नहीं करता, लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जितनी भी लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट होती है ना, इनका एक कॉमन डाउन साइड है, वो क्या है कि वो सर्वर के ऊपर एक जगह लेता है, जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है उधर वो सेव होता है ना, और वो लॉन्ग लिव करता है जब सर्वर पे, तो सर्वर के साथ वो जुड़ तो जाता है, लेकिन रैम के अंदर मेरे पास, सर्वर में मेरे पास रैम के, जाहिर है सर्वर पे एक वेरिएबल बना हुआ होता है ना, जिसमें मेरा वापसी का एड्रेस सेव होता है, तो वो वापसी का एड्रेस जो उधर सेव हुआ हुआ है सर्वर पे, अब इमेजिन करो मेरे पास 1 लाख यूज़र्स रिक्वेस्ट करते हैं और उनका उधर एड्रेस सेव होता है, तो 1 लाख वेरिएबल बन गया सर्वर पे, तो वो क्या होता है, सर्वर पे ना रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है। तो सर्वर के ऊपर रैम एक्सपेंसिव होती है लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट, ये जो सॉकेट वाली रिक्वेस्ट जो हम करते हैं, ये सर्वर के लिए क्या होती है, रैम एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रोसेसर एक्सपेंसिव भी होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट को अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा डाउन साइड, जो दूसरा डाउन साइड है इसका, वो ये है कि आजकल जो नए तरह के सर्वर आ रहे हैं ना, जो नए वाले जो सर्वर हैं आजकल, वो बाय डेफिनेशन वो शॉर्ट लिव्ड हैं,
मिसाल के तौर पे जब हम सर्वर शुरू किया था, हमने सर्वर शुरू नहीं किया था, जब हमने किया था गूगल क्लाउड के ऊपर, जब हमने होस्ट किया था अपनी ऐप को पहली दफ़ा, तो उस दिन हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारे पास कितने तरह के जो है इस वक्त डिप्लॉयमेंट इंजन मौजूद हैं, है ना, कितनी तरह की मशीनें मौजूद हैं क्लाउड पे जहाँ पे हम अपनी ऐप को डिप्लॉय करते हैं। तो उसमें मैंने तीन टाइप बताई थी। एक आपको बताया था मैंने कि डेडिकेटेड मशीन, या उसको हम इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है, जैसा कि अमेज़ॉन के ऊपर, AWS के ऊपर आपको EC2 का एक इंस्टेंस मौजूद होता है, इसी तरह गूगल के ऊपर गूगल क्लाउड, गूगल कंप्यूट इंजन के नाम से एक होता है, वो पूरी एक मशीन होती है लिनक्स की, वो आपको दे देता है, वो कहता है यार जो मर्ज़ी करो इसके अंदर, ठीक है। तो लिनक्स की मशीन के अंदर आप अपनी ऐप को रन करते हैं, ख़ुद से जाके कमांड लिखते हैं और npm रन इंस्टॉल और जो भी होता है वो सब चलाते हैं, उसके ऊपर कोड रखते हैं अपना, फिर उसकी जो पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह जो भी होती है ना, उसको API गेटवे प्रोवाइड करके, वो एक लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन वो कंप्यूटर क्या होता है, पूरा आपकी अथॉरिटी में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। दूसरी टाइप मैंने बताई थी एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, वो पूल बना हुआ होता है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर कंटेनर्स बने हुए होते हैं, कुबरनेटीज का सेटअप होता है एक्चुअली। वो कुबरनेटीज के सेटअप पे क्या होता है, एक पॉड एक मशीन कंसिडर करता है वो, तो वो बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें हर एक कंप्यूटर एक पॉड होता है। अच्छा, आपकी ऐप किसी एक पॉड पे चल रही होती है, अच्छा उसी पॉड पे किसी और की भी ऐप चल रही होती है, तो एक पॉड पे क्या होता है, मल्टीपल ऐप्स चल रही होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी रिसोर्सेज उसको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब आपकी ऐप यूज़ नहीं हो रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पॉड को भी डाउन कर देता है और उसके अंदर मौजूद तमाम ऐप्स को भी डाउन कर देता है, और उसको पूरे सिस्टम को शट डाउन और शट अप करने का जो है उसको क्या होता है, अथॉरिटी होती है कुबरनेटीज के सिस्टम को, ठीक है। तो आप अगर 5-10 मिनट अपना ऐप यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका जिस पॉड पे आपकी ऐप चल रही होती है, आपकी ऐप एक्चुअली एक कंटेनर में चल रही होती है, पॉड के अंदर कंटेनर होता है, तो वो आपका कंटेनर जो है ना जिसमें आपकी ऐप है, उस कंटेनर को वो हटा देता है, उसको डाउन कर देता है, ठीक है। क्या VPS नहीं, कंटेनर और VPS बहुत अलग अलग चीज़ है। VPS वर्चुअल मशीन होती है, कंटेनर जो है वो ये डॉकर वाला माल है ये। तो इसमें क्या होता है कि वो थिन सी लेयर होती है, उसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो उसकी लंबी डिटेल है कि एक वर्चुअल मशीन में और डॉकर का जो कंटेनर है उसमें क्या डिफरेंस है। वो डॉकर का कंटेनर बहुत लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन। काम लेकिन दोनों का एक ही है, काम ऑलमोस्ट एक ही है दोनों का ऐप के केस में। तो इवेंचुअली अब होता क्या है, अच्छा तीसरी एक टाइप क्या बताई थी मैंने, नैनो सर्विस आर्किटेक्चर। नैनो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा कोड होता है ना, वो फंक्शन होता है एक, ठीक है, और वो फंक्शन होता है वो जब ही इन्वोक होता है जब आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो जब ही आप होता है एग्जीक्यूशन होती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट्स इट। उसकी कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है सर्वर के ऊपर, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो डायरेक्ट जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वोक होता है और ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा आपने अगर एक वेरिएबल भी बनाया ना, तो एक इन्वोकेशन पे जो बनाया वो अगले इन्वोकेशन पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा, है ना, कभी भी नहीं मिलेगा। तो उसका तो सेटअप बिल्कुल ही अलग होता है। अच्छा, तो हमने जो इस वक्त ऐप बनाई है यहाँ पे, ये तीनों पे डिप्लॉय हो सकती है, एक्चुअली तीनों पे ये डिप्लॉय हो सकती है। अच्छा, हमने कौन से पे किया है, हमने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे इसको डिप्लॉय किया है। तो बगैर किसी चेंजेस के इस ऐप को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे डिप्लॉय किया जा सकता है जो हमने बनाई है। अच्छा, अगर मैं इसको EC2 के इंस्टेंस पे करना चाहूँ, जो डेडिकेटेड मशीन है, उसके लिए मुझे इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, लेकिन चेंजेस आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ दिस ऐप होगी। यानी इस ऐप में इटसेल्फ कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो कुछ है उसमें और मजीद कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इस तरह का चेंज होगा। अच्छा, और अगर मैं दूसरी साइड जाना चाहूँ नैनो सर्विस पे, तो मुझे इस ऐप का कोड बाकायदा चेंज करना पड़ेगा जब भी मैं उस पर डिप्लॉय कर पाऊँगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा सिंटैक्स अपना होता है, ठीक है। इसको मुझे पूरे के पूरे ऐप को एक फंक्शन की सूरत देनी होगी, तो जब ये मैं डिप्लॉय कर पाऊँगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा। वेल, अब इन तीनों सेटअप के, ये तीन मोस्ट कॉमन सेटअप हैं, इसके अलावा भी सेटअप इस वक्त मौजूद हैं डिप्लॉयमेंट के, लेकिन ये तीन मोस्ट कॉमन हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला है, जो डेडिकेटेड मशीन है, उसमें तो सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। यानी कि इंस्टेंस वाला जो माल है, डेडिकेटेड मशीन वाला जो माल है, उसके अंदर जो चीज़ जैसे चाहो आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दूसरा जो सेटअप है हमारा माइक्रो सर्विस, यानी कि कुबरनेटीज का जो एनवायरनमेंट, कुबरनेटीज वाला सेटअप जो है, उसमें ये होता है कि लॉन्ग लिफ्ट को वो अलाउ कर देता है, ठीक है, लॉन्ग लिफ्ट को वो मना नहीं करता, अलाउ कर देता है। लेकिन स्टिल क्या होता है कि
लॉन्ग लिव करने की वजह से हमारा जो मेन मकसद होता है ना, ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का, वो ये होता है कि हम छोटे छोटे इंस्टेंसेस बनाते हैं, छोटे छोटे हम क्या करते हैं उसमें कंटेनर्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 कंटेनर अप करते हैं डिपेंडिंग ऑन आर नीड। तो जब ये वाला काम वहाँ पे होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डाउन साइड बनता है, क्योंकि मेरा जो कंटेनर है वो एकदम फुल होना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे मुझे 4 कंटेनर की ज़रूरत है वहाँ पे मुझे 8 चलाने ही पड़ते हैं एट अ टाइम, हालांकि उसमें हो कुछ नहीं रहा होता, जस्ट उसकी रैम फुल हो जाती है, इंस्टेंस की रैम फुल हो जाती है, ठीक है। तो ये मुझे अलाउड है लेकिन स्टिल, और ये मैं करता हूँ, ये कॉमन केसेस में ये काम किया जाता है। कुबरनेटीज वाला जो एनवायरनमेंट है, यानी इसको क्लाउड नेटिव भी कहते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा, लोग कहते हैं क्लाउड नेटिव, तो ये क्लाउड नेटिव जो है वो ये वाला है, जो ऐप इंजन पे जो डिप्लॉय कर रहे हैं ना, ये क्लाउड नेटिव है, क्योंकि ये नेटिवली नॉट जीएस चल रहा है क्लाउड के ऊपर, ठीक है। बाय द वे, जिन लोगों ने अपने कोर्स का नाम क्लाउड नेटिव रखा था, उन्होंने ये बात अपने पूरे कोर्स में कभी भी नहीं बताई, ठीक है। उनके एक बच्चे से मैंने एक दिन पूछ लिया कि यार ये आपके कोर्स का नाम जो क्लाउड नेटिव है इसका मतलब क्या होता है, तो उसको पता ही नहीं था। तो वेल, नाम रख लेने से नहीं होता, सिर्फ कम से कम नाम तो एक्सप्लेन कर दे बंदा बच्चों को कि यार ये मतलब था आपके कोर्स के नाम का, ठीक है। तो इस वाले नेटिव जो अप्रोच है हमारी, नेटिव वाला जो सेटअप है, यानी कुबरनेटीज का जो सेटअप है या गूगल ऐप इंजन का सेटअप है, ऐसा गूगल ऐप इंजन की जब मैं बात करता हूँ तो साइक्लिक भी शामिल है इसमें, रेलवे भी शामिल है इसमें, हरिको भी शामिल है इसमें, ये सारे शामिल हैं इसमें, जो वन क्लिक डिप्लॉय में जितने भी है ना, ये सारे ऑलमोस्ट वही वाला तरीका करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि साइक्लिक कुछ चीज़ों में मुझे रोक देता है, साइक्लिक लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करता इस वक्त, शायद लास्ट मैंने किया था मुझे मना कर दिया था उसने, वो इसलिए नहीं करता, उन्होंने अपने एंड पे उन्होंने रोका हुआ है, अपने एंड पे उन्होंने रोका हुआ, वो बोलते हैं यार पेड वेड वर्जन पे पता नहीं हम करवाते हैं, वो फ्री वाले पे हम अलाउ नहीं करते, इस तरह की कोई बात करते हैं, लेकिन वो कोई मतलब ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, उन्होंने रोका हुआ अपने एंड पे, यानी पैसे के चक्कर में रोका हुआ या जो भी उनका अपना एक मकसद है उसके लिए रोका हुआ उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हरिको भी जो है, हरिको लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट तो अलाउ कर देता है, यानी सॉकेट वाली रिक्वेस्ट तो अलाउ कर देता है, लेकिन कुछ रिक्वेस्टों में हरिको भी रोक देता था, अब तो खैर उन्होंने फ्री वाला बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसी तरीके से जो रेलवे वगैरह भी हैं, ये भी हो सकता है रोक दें आपको, सॉकेट वाले रिक्वेस्ट ना करने दें शायद, लेकिन वो चक्कर ये नहीं होगा कि हो नहीं सकता, वो पैसों का चक्कर होगा। अच्छा, गूगल ऐप इंजन ऑन अदर हैंड आपको ये अलाउ कर देता है, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, फ्री वाले में भी आप लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा तीसरा सेटअप है ना, नैनो सर्विस आर्किटेक्चर जो है, जो फंक्शन वाला जो सेटअप है, उसके अंदर लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट सिरे से अलाउ ही नहीं होती, उसमें जो लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट होती है वो सिरे से अलाउ होती नहीं है, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है ना फंक्शन की। अच्छा, ये मैं जब फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा सेटअप है, नहीं कौन सा, गूगल पे कौन से नाम से है ये, फायरबेस फंक्शंस के नाम से, गूगल क्लाउड फंक्शन के नाम से, AWS पे ये लैम्डा फंक्शन के नाम से, नेटलीफाई फंक्शन के नाम से, ठीक है, और भी ये इन्होंने भी दिया हुआ है वर्सल ने, वर्सल का फंक्शन क्या है, वर्सल पे भी एक फंक्शन वाला माल मौजूद है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक है इस तरह का, ठीक है। तो ये सब ने ना ये वाला दिया हुआ है, इसमें एक फंक्शन होता है वो आप चलाते हो, हर फंक्शन के अगेंस्ट एक URL मिल जाता है आपको। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो लास्ट वाला जो नैनो सर्विस आर्किटेक्चर है, ये मैं बात कर रहा हूँ नेटलीफाई फंक्शन की, ये मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्लाउड फंक्शन की, ये मैं बात कर रहा हूँ फायरबेस फंक्शन की, AWS लैम्डा फंक्शन की, इनकी बात हो रही है। इसके ऊपर सिरे से लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट अलाउ होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो टोटल मुद्दा है ना उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये कहते हैं कि यार एक फंक्शन जब अप होगा तो वो 300 सेकंड्स तक वो अप रहेगा, उसके बाद वो हम उसको बंद करते हैं, ठीक है, जो कि 5 मिनट का ड्यूरेशन बनता है, मोस्टली इनका 5 मिनट होता है, कुछ का शायद थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो, तो मोस्टली 5 मिनट। तो 5 मिनट में एक तो ये पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करते हैं आपको, पर सेकंड की कंप्यूटिंग, तो अगर आपका फंक्शन 5 सेकंड चलता है तो वैसे ही वो बिल अच्छा खासा बना देगा आपका, ठीक है। दूसरा ये कि वो बोलते हैं कि यार जैसे आपने रिक्वेस्ट की, अब वो 5 मिनट तक आप रखोगे तो 5 मिनट तक वो सॉकेट कनेक्ट रहेगा, 5 मिनट जैसे ही पूरे होंगे वो बंद हो जाएगा, सॉकेट आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर मेरा ख्याल है कि कोशिश करना इसको अप्लाई करने का, मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ी है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके अंदर ये चीज़ समझ लो आप एक तरह से कि अलाउ ही नहीं है। अच्छा, लिहाजा हमने क्या सीखा कि अगर आपके पूरी ऐप के अंदर लॉन्ग लिव रिक्वेस्ट कहीं पे भी आ जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक आइटम तो साइड हो गया आपका, अब इधर आपकी ऐप कभी भी डिप्लॉय नहीं हो सकती, बाकी बच गया 2 आइटम,
सही है, जिसमें से इंस्टेंस वाला काम कभी मैं खुद नहीं करता क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन इतनी है भाई। आपके पास भी तो लिनक्स की मशीन है ना, ये विंडोज़ की मशीन है, इस पर डिप्लॉय कर दो, होता है नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है ना। चलो लोकल होस्ट तो चल जाता है, लोकल होस्ट चल जाता है, तुम्हारी आईपी पड़ोस वाले को बता देते हो, वो खोलता तो ऐप चल जाती है, इस हद तक तो हो जाता है। लेकिन पोर्ट फॉरवर्ड करना, इंटरनेट पे लाइव करना, उसके लिए लंबे चौड़ा काम है, वो गेटवे चाहिए होता है एपीआई का, क्या कहते हैं, तो वो बड़ा लंबा चक्कर हो जाता है। तो वो इसलिए कभी भी कोई नहीं करता। फिर उसमें स्केलेबिलिटी का इशू रहता है कि यार चलो इस मशीन पे तुमने कर तो दिया, लेकिन अब जब ये 512 MB रैम वाली मशीन थी, अब जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको माइग्रेट करना पड़ता है, इस मशीन को शट डाउन करना पड़ता है, इसका बैकअप लेना पड़ता है, दूसरी बड़ी मशीन में जाके इसके बैकअप को रिस्टोर करना पड़ता है दोबारा। तो उसमें माइग्रेशन में टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, और सम आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए डाउन भी होता है। अक्सर सुना होगा ना कि यार फलां बैंक का मैसेज आता है कि हमारा सिस्टम 2 घंटे डाउन रहेगा आज, तो वो 2 घंटे में उन्होंने प्लान किया होता है माइग्रेशन। समटाइम इस तरह की भी सिचुएशन होती है, कुछ और भी रीजंस होते हैं, लेकिन माइग्रेशन के लिए सिस्टम आपको डाउन भी करना पड़ता है, ठीक है। ये नेटिव वाले में ये वाला मसला नहीं है। नेटिव वाले में क्या मसला है, किसी आपने गिटहब में कुछ चेंजेस की, पुश किया और npm रन डिप्लॉय चलाया, चल गया, ठीक है, कोड रिप्लेस हो गया, डेटाबेस अपनी जगह पर आ गया। ऐसा नहीं है कि इसमें माइग्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप MongoDB यूज़ कर रहे थे, आपने अब मूव करना है किसी दूसरे डेटाबेस पे किसी भी वजह से, तो आपको जाहिर है वो पूरा का पूरा डेटाबेस उठा के दूसरे पे डालोगे तो वो सिस्टम डाउन करके डालोगे ना आप। पता चला मैं बैकअप ले रहा हूँ, इतने में नई एंट्रीज आ गई, और फिर मैंने उधर डाला वो इधर ही रहेगा, ये इधर चला गया, तो जो उतने देर में काम हुआ तो मिस हो जाएगा। तो सिस्टम को तो डाउन सिस्टम को करना पड़ता है स्टिल इस सेटअप में भी, ठीक है, लेकिन इटसेल्फ कोड को रिप्लेस करने के लिए नहीं करना पड़ता, वो डेटा वेटा का चक्कर हो सकता है कोई दूसरा। अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, एक पूरा अहाता कर लिया कि हमारे पास जो शॉर्ट लिव्ड रिक्वेस्ट है HTTP और लॉन्ग लिव्ड जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, हमने ये देख लिया है ना। और दूसरा हमने ये देख लिया कि इसके कुछ डाउन साइड्स हैं, वो हमने देख लिए। अच्छा, अब इसके कुछ अप साइड्स हैं, कुछ इसमें अच्छी बातें जो बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें रियल टाइम कंप्यूटिंग हो जाती है कि जी किसी ने सामने से मैसेज किया और मुझे स्क्रीन रिफ्रेश करनी पड़े तो ये बड़ा मसला है। तो क्योंकि सर्वर खुद भेज रहा होता है तो मेरे लिए रियल टाइम हो जाता है ये, तो रियल टाइम कंप्यूटिंग इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा अपसाइड है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो शायद हम इस वक्त जिस दौर में जी रहे हैं ना, जिस इंटरनेट का जो अभी का दौर है, इसमें जो मतलब सबसे बड़ा कन्वीनियंस जो है ना वो यही है कि हमें कुछ चीज़ें बार बार रिफ्रेश नहीं करनी पड़ती, खुद आ जाती है। फेसबुक पे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वो खुद से जवाब आता है उसका, व्हाट्सएप पे जब आप किसी से बात करते हैं तो मैसेज खुद आता है ना जवाब सामने से, रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ता, खुद आता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका SMS खुद से आ जाता है। तो ये SMS खुद से जो आता है ये कैसे आता है, ये पुश मैकेनिज्म के ज़रिए आता है, नोटिफिकेशन खुद से आ जाती है ना। जितनी भी आप ऐप यूज़ करते हैं हर ऐप का नोटिफिकेशन लाजमी आता है, चाहे वो ऊबर की ऐप हो, चाहे बाइकिया की ऐप हो, फूड पांडा की ऐप हो, है ना। फूड पांडा की ऐप में जब आप ऑर्डर करके आप ऐसे देख रहे होते हैं स्क्रीन, तो वो खुद step 1 से step 2 पे चला जाता है ना, किसी प्रिपेयरिंग और पिकड अप ऐसे होता है ना, चेंज होता है खुद वो, आप यूँ देखते रहते हैं जस्ट, आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता बार बार। तो ये रियल टाइम कंप्यूटिंग आपको इस दौर में जितनी भी मेजर ऐप्स हैं उनके अंदर आपको ये रियल टाइम कंप्यूटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अगर इस रियल टाइम कंप्यूटिंग को निकाल दिया जाए ना तो हम एकदम पत्थर के दौर में जाके गिरेंगे ठक करके। नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला कि पैसा साइक्लिक नहीं देगा, गूगल ऐप इंजन देगा ना। कार्ड तो लगाया नहीं है, सादा पे नहीं बनाया तुम लोगों ने अभी तक। कार्ड भाई सादा पे सिर्फ बनाना है, कार्ड मंगवाना नहीं है उसका, क्या हो गया, कार्ड मंगवाना नहीं है, अंदर वर्चुअल कार्ड आ रहा होता है वो लगाना है। नहीं तो उसमें पैसे चार्ज करते हैं ना वो, 2000 उसमें 2000 अमाउंट डाल दो। मैंने जब लगाया तो मेरे पास 2000 अमाउंट था जिसमें से उसने 1500 काट लिए थे, हाँ तकरीबन $5 काट लिए थे उसने, सही है, उस वक्त 300 काट रिटर्न आ गया था वो नेक्स्ट मंथ, यस ठीक है। लेकिन उस वक्त 2000 उसके अंदर अमाउंट एटलीस्ट होने चाहिए आपके पाकिस्तानी, 2000 रुपया उसमें होगा तो $5 काटेगा तो वो कटेगा, ठीक है। अच्छा 1500 भी पूरा नहीं कटा था, कुछ ऊपर कटा था, 200 एक्स्ट्रा कटे थे, हो गया था काम, बस तो लगा के ट्राई करो, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो नया पे बना लो, वो भी नहीं लगे तो कोई और दूसरा बना लो, 1000 आजकल आ गए ये, सही है। तो गूगल ऐप इंजन पे कर लो ये काम भाई, अल्लाह के बंदों,
साइक्लिक के आश्रय में मत रहो। रीज़न उसका समझा रहा हूँ क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे ना तो साइक्लिक पे नहीं डिप्लॉय करते वो, सही है। वो प्रॉपर एक जो मतलब देखो क्लासिक अप्रोच होती है ना यार, एक क्या होती है क्लासिक अप्रोच होती है। अब तुम्हें यहाँ से अगर लाहौर जाना है कैसे जाओगे, बस पे जाओगे या जहाज़ पे जाओगे, है ना। रक्शे पे भी तो जाया जा सकता है, बाइक से भी जाया जा सकता है, लेकिन क्लासिक अप्रोच क्या है, बस की है ना यार, या बस की है या जहाज़ की है, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है कितना पैसा है। मोटरसाइकिल की अप्रोच क्लासिक नहीं है। तो साइक्लिक पे देखो तुम्हारी ऐप तो चल जाएगी, तुम्हें पता तो लग जाएगा, जाके देख तो लोगे कि लाहौर होता कैसा है, वापस भी आ जाओगे। लेकिन मसला ये कि क्लासिक अप्रोच ये नहीं है। अगर रोज़ जाना पड़ेगा फिर वही बस पे आके करेगा बंदा। तो ये जो साइक्लिक है ना, इस पे देखो तुम्हारी ऐप तो चल गई, एक हैंड्स ऑन तो हो गया कि अच्छा जी ऐसे डिप्लॉय होता है, अच्छा डिप्लॉय होने के बाद ये बिहेवियर होता है, ये पता तो लग गया। लेकिन एक दफ़ा कम से कम ज़िंदगी में तबर्रुक के तौर पे गूगल पे भी कर लो डिप्लॉय, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे तो वहाँ पे तो यही अप्रोच है ना यार, क्लासिक वाली अप्रोच होगी, ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं प्लान किया हुआ ना जिसने, तो उसके जहन में सीधा आएगा कि यार गूगल या AWS। तो कोई एक तो हाथ सेट हो, कोई एक आपका हाथ सेट होना चाहिए ना यार, दोनों नहीं हो, कोई एक तो हाथ सेट हो। आप बोलो अच्छा नहीं AWS नहीं, गूगल पे मैं अभी कर दूंगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है AWS मैं सीख के कर दूंगा। तो दो दो सीखो के कम से कम, एक अभी सीख लो एक बाद में सीख लेना, ठीक है। तो AWS और गूगल ये दोनों मेन स्ट्रीम है इस वक्त। जो किसी ने कुछ प्लान नहीं किया हुआ ना, तो उसके जहन में गूगल क्लाउड है, बोलता है कि गूगल क्लाउड पे कर दो। तो यार अभी कर लो, ये आगे करना ही है ना, अगर डिसाइड कर लिया है कि करियर इसी में बनाना है तो कर लो अभी, सही है। अच्छा तो हमने ना दोनों इसकी अप्रोच समझ ली कि ये क्या अप्रोच है दोनों की और क्या डिफरेंसेस है दोनों में। अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा ना इसका कोड लिख लेते हैं, सही है। अच्छा इसका कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे मेरी GitHub की रिपॉजिटरी पर, सही है, मेरी GitHub की रिपॉजिटरी में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट, ठीक है, सॉकेट आयो एक्सप्रेस हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई आ जाओ भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक अदद लगा हुआ है क्लाइंट, ठीक है, और एक अदद लगा हुआ है सर्वर। क्लाइंट पे मैं जाता हूँ और क्लाइंट से रिक्वेस्ट होती कैसे है सॉकेट की वो ज़रा देख लेते हैं हम। अच्छा देखो ये मैंने इम्पोर्ट किया, HTTP की रिक्वेस्ट किससे करते थे हम, एग्जियोस से ना, इसकी रिक्वेस्ट एग्जियोस से नहीं होगी, इसकी रिक्वेस्ट के लिए एक लाइब्रेरी बनी हुई है सॉकेट आयो क्लाइंट, इससे होगी ये। आयो करके ये क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट सॉकेट इक्वल्स टू आयो करके ये कनेक्ट मार दिया आपने। अच्छा इसके URL में ना यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP, ठीक है, HTTPS भी हो सकता है। जब आप इसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर दोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, अच्छा उस ज़माने में हरिको पे डिप्लॉय करते थे हम, उस वक्त हरिको फ्री देता था, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में देखो हरिको लिखा हुआ है ना, कि इसने यहाँ पर कनेक्टेड टू होस्टेड सर्वर और हरिको कनेक्ट विद लोकली रनिंग सॉकेट आयो। तो ये मैंने होस्टेड सर्वर पे इसको ऐसे करके लगाया हुआ है, तो इसमें HTTPS है और लोकल वाले में सिर्फ HTTP है। अच्छा इसका जो URL है वो क्या हो सकता है, वो WS भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली आपको सब जगह ना WS ही दिखेगा। वो कैसे लिखा जाएगा WS का, वो इस तरह लिखा जाएगा कि ऐसे होगा WS:// और फिर होगा आपका बेस URL और फिर होगा .com और फिर होगा स्लैश करके /API/V1 और स्लैश करके जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो होगी, राइट। तो ये WS का मतलब है वेब सॉकेट और WSS का मतलब है कि वो HTTPS में जो S होता है ना लास्ट में SSL यानी कि सिक्योर। तो वेब सॉकेट सिक्योर बाई WSS दो दफ़ा होगा, ठीक है। तो होस्टेड जब भी होगा तो दो दफ़ा S, अगर होस्टेड नहीं है तो एक दफ़ा S, सही है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास इस लाइब्रेरी ने मुझे ये कन्वीनियंस दी है कि मैं इसमें HTTP लगाऊं या WS लगाऊं, फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है, इस लाइब्रेरी की वजह से। वरना ओरिजिनली इसका नाम क्या है, WS है, ओरिजिनली ये WS है। अच्छा ये सॉकेट बन गया, मैंने कहा भाई सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, अच्छा ये मैंने कनेक्ट कर दिया इस लेवल, इस लाइन ऑफ कोड में मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया सर्वर से, रिक्वेस्ट चली गई। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, मैंने इवेंट रजिस्टर किया हुआ है कि जब ये सॉकेट कनेक्ट हो जाए ना, क्योंकि जाहिर है कनेक्ट ये फौरन तो नहीं होगा, जैसे HTTP रिक्वेस्ट जाती है फिर वापस आती है ऐसे टाइम लगता है, तो इसको भी कनेक्ट होने में 1-2 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड, 200 मिली सेकंड लगेंगे इसको।
तो मैंने बोला कि जब ये कनेक्ट हो जाए ना सक्सेसफुली, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा दो कि कनेक्टेड। तो ये मैंने क्या कर लिया, सॉकेट से कनेक्शन बना लिया अपना, सॉकेट से क्या कर लिया, कनेक्शन बना लिया। अभी तक कोई डेटा मेरे पास आया नहीं है सॉकेट से, अभी मेरी रिक्वेस्ट गई है वहाँ पे, उसने पर्ची नोट करके रख लिया और वापस भेज दिया, उसने बोला जाओ हो गया आपका रजिस्टर हो गया, सही है, अब कोई डेटा आएगा तो हम भेज देंगे, अभी नहीं भेजा। लेकिन हाँ अभी अभी तुम समझो, अभी सर्वर से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं हूँ सर्वर से, मैंने बोला सर्वर को कि कनेक्ट हो जाओ इससे, ये सर्वर का एड्रेस था, इसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी और वापस आ गया, कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड में भी हमारे पर्ची में नाम लिख के मेरा सेव कर लिया उसने, अभी कोई डेटा नहीं भेजा उसने, ना ही कोई भेजेगा, भेजेगा भी नहीं, सही है। अच्छा अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, अब मुझे ये बात तय करनी पड़ेगी कि किस चैनल के थ्रू मुझे डेटा मिले, ये मुझे बताना पड़ेगा उसको। तो वो मैंने ये अगला काम ये किया, मैंने कहा भाई सॉकेट डॉट ऑन और टेस्ट टॉपिक, और इस पर ये फंक्शन लगा दिया मैंने। अब जब देखो सर्वर से जब वो रवाना करता है ना, जब डेटा को वो क्या करता है, रवाना करता है ना सर्वर से, पुश करता है जब, तो उसमें लिख के भेजता है कि कौन सा टॉपिक है ये, तो वो डेटा उसी को मिलता है बंदे को जिसने टॉपिक वो वाला सब्सक्राइब किया हुआ होता है, सब हर किसी को नहीं मिलता। जब मैं यहाँ बोलूँगा ना कि सॉकेट डॉट ऑन और टेस्ट टॉपिक पे मैंने सब्सक्राइब कर लिया, तो ये टॉपिक सर्वर को पता लग जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक पे एक बंदा सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है, तो वो टॉपिक एक तरह से कि टॉपिक है, टॉपिक एक तरह से टॉपिक है, हाँ, कि जैसे न्यू मैसेज एक टॉपिक है, सही है, तो ये एक तरह का टॉपिक ही है, इसको और कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। ये एक चैनल है जिसका नाम मैंने बता दिया कि भाई इस चैनल के ऊपर जो जो, जैसे इसको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर किसी को वायरलेस का पता है ना, उसको समझ आ जाएगा, जो पुलिस वालों के पास वायरलेस होता है वो पता है कैसे चलता है, वो समझ लोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पे चलता है, उसमें 10 चैनल होते हैं, सही है, कैसे होता है चैनल, किसी को पता है, खड़े होकर बताओ यार, किसी को पता है अगर डिटेल में तो बताओ जल्दी से, किसी ने यूज़ किया वायरलेस की, यूज़ किया किसी ने यहाँ पे? किसी ने यहाँ पे वायरलेस यूज़ किया है? अच्छा, मेरे घर वालों को बड़ा शौक था कि मुझे फोर्स में भेजें, तो एक दफ़ा इन्होंने मुझे भर्ती करने की कोशिश की थी वायरलेस ऑपरेटर, सही है, तो खैर भर्ती तो मैं हुआ नहीं क्योंकि नियत नहीं थी, तो नियत नहीं होती तो नहीं करवा सकता आपसे कोई, तो हाँ, लेकिन मैंने एक दिन रात को बैठ के ना यूट्यूब पे वो मैंने सीख लिया था कि वायरलेस चलता कैसे, वो पूरा जो वायरलेस सिस्टम होता है, जो डिपार्टमेंट जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो चलता कैसे, वो मैंने एक दिन सीख लिया था पूरा यूट्यूब पे बैठ के, तो मैं समझाता हूँ कि वो कैसे चलता है, वो समझ जाओगे तो ये टॉपिक समझ आ जाएगा। देखो असल में होता क्या है कि ये जो वायरलेस डिवाइसेस होती है ना, ये एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे चलती है, मिसाल के तौर पर जैसे रेडियो सुनते हो ना घर पे FM 107, तो FM 107 जो है वो 107 मेगाहर्ट्ज़ है, एक फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, कोई कहीं पे एक डिवाइस लेके बैठा हुआ है और वो जब बोलता है ना डिवाइस में, अभी तो देखो मैं इस माइक में बोलता हूँ अगर, तो इस स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है। अच्छा, इस स्पीकर से जो आवाज़ बाहर आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पता है आपको? इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़ से लेके 44 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान, ठीक है, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि यही वो फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन लिसनिंग रेंज है, कि 20 हर्ट्ज़ से लेके 44,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है, 20,000 नहीं 44 है, 44 तक, वैसे स्टीरियो जितने भी होते हैं वो 44 तक जाते हैं, आई एम नॉट श्योर, शायद 20,000 है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मुझे तुमने कंफ्यूज कर दिया, जो भी है बहरहाल, तो जो भी लिसनिंग रेंज है ना ह्यूमन की, वो उसके दरमियान की फ्रीक्वेंसी इसमें से निकलती है, और वो हमारा कान उसको एज अ साउंड परसीव करता है, वो एक्चुअली साउंड वाउंड कुछ नहीं है, हमारे कानों को लगता है कि ये साउंड है, वो जस्ट एक फ्रीक्वेंसी है, एक लहर है, है ना, आप ऐसे समझ लो कि पानी में कोई ऐसे ऐसे हाथ मारता है तो वो वेव बनती है ना, ऐसे ये हवा में यूं 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 हाथ मार रहा है स्पीकर एक्चुअली क्या कर रहा होता है, वो हवा में वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, जैसे पानी है ना, पानी पे आप ऐसे ऐसे यूं यूं करो तो क्या होता है, पानी हल्का हल्का उड़ता है और वेव बनती है, तो ये एक्चुअली हवा में ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये हवा में यूं मार रहा है, तो हवा पे एक वेव बन रही है जिसको हमारे कान परसीव करते हैं, हमारे कानों को लगता है कि ये साउंड है,
अच्छा होता भी साउंड वही है, मतलब मेरा जो मुंह है वो भी क्या कर रहा है, वो हवा में ऐसे ऐसे ही तो कर रहा है ना, हवा में वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो उसी से है, वो इतनी तेज़ी से कर रहा है आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन वो टेक्निकली वो हो यही रहा है। मैं हवा की जो लहरों में ना कुछ इर्तियाश पैदा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये वहाँ तक लहर जा रही है आप तक और आप लोगों के कानों में जाके टकरा रही है। तो हमने क्या सीखा कि जब मैं इस माइक में बोलता हूँ तो ये स्पीकर से जो आवाज़ बाहर आती है ना वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो FM 107 के स्टूडियो के अंदर जो माइक में बोल रहे हैं ना बैठ के, उस स्टूडियो के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पीकर लगा हुआ है, इतना बड़ा स्पीकर लगा हुआ है कि उसकी आवाज़ पूरे शहर में जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी लिसनिंग रेंज से ऊपर है बहुत, हमें सुनाई नहीं जाता, वो हमें सुनाई नहीं जाता। क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, 107 मेगाहर्ट्ज़, हम सुन सकते हैं 44 मेगाहर्ट्ज़ तक, वो हमारी बहुत ऊपर है हमारी लिसनिंग रेंज से, 107 मेगाहर्ट्ज़ की वो आवाज़ निकालता है वो स्पीकर जो उसके स्टूडियो के छत पे लगा हुआ है। अच्छा, और ना सिर्फ वहाँ लगा हुआ है बल्कि उन्होंने और भी डिफरेंट जगहों पर लगाया हुआ है, डिफरेंट जगहों पर उन्होंने लगाया हुआ है कि दूर दराज इलाकों में भी वो चला जाए, ठीक है। अच्छा, तो मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही वो, अच्छा, लेकिन मेरे पास एक डिवाइस ऐसी मौजूद है, कोई भी रेडियो सेट जो भी आपके घरों में होता है, मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो होता था, गाड़ियों में होता है, तो वो क्या होता है, वो उसके बाहर एक डंडी लगी हुई होती है, उस डंडी से जब वो फ्रीक्वेंसी टकराती है ना, तो सम हाउ वो उसको पिक करके और उसको दोबारा से उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है और आपको सुनाता है वो। अच्छा, तो ये फ्रीक्वेंसी समझ गए क्या होती है। अब ये पुलिस वालों का जो चलता है ना, पुलिस का ये जो सबका ट्रैफिक पुलिस का जो चलता है रेडियो, वो उसी पे चलता है। अच्छा, तो 107 पे नहीं होता वो उसकी कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपके रेडियो सेट में नहीं होती है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज है, रेडियो आपके घरों में जो रेडियो होता है उसकी रेंज क्या होती है, 89 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है रेंज, ठीक है। इसके दरमियान में ही होते हैं सारे चैनल, 105, 107, 103, 101, 100 है ना, 89.5 ये वाला जो है, तो ये सारे वो 89 से शुरू है और 108 पे ये ख़त्म है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है इंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं ये सारे, ये पब्लिक होते हैं। अच्छा, टॉकिंग वाला जो है, मुंह से बात करने वाला, यानी जो आर्मी वगैरह ये सब लोग जो यूज़ करते हैं, ये इससे या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, इस रेंज में नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले बात कर रहे हैं वो आप घर वाले रेडियो सेट से उसको सुन नहीं सकते, आप उसके लिए आपको ऐसा ही एक रेडियो सेट चाहिए जो, अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी है लगा लो के 110 से लेके 120 तक है, इमेजिन कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। अब एक बंदा ट्यून हो गया 101 पे, ठीक है, तो उस रेडियो सेट के अंदर क्या ऑप्शन होता है, उसके अंदर चैनल्स का ऑप्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है, चैनल्स का ऑप्शन होता है, उसमें रेडियो पे 10 बटन लगे हुए होते हैं यूं लाइन से, बटन 1 दबाता हूँ तो ये चैनल 1 हो गया, बटन 2 दबाता हूँ तो ये चैनल 2 हो गया, बटन 3 दबाता हूँ तो ये चैनल 3 हो गया। अच्छा, हर चैनल के अगेंस्ट कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी सेट होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी उस अहलकार को भी नहीं पता होती जो उसको यूज़ कर रहा है, उसको नहीं पता होती, वो सीक्रेट होती है। वो सीक्रेट कैसे होती है, वो रेडियो सेट खोल के और अंदर से उसके अंदर एक नॉब होती है, वो घुमा के चैनल 1 को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे फिट कर देते हैं। तो जो यूज़ करने वाला बंदा होता है उसको सिर्फ ये पता होता है चैनल 1 से लेकर 10 तक है, बस उसको ये पता होता है, उसको और कोई बात नहीं पता होती, सही है। अच्छा, नॉर्मली ये क्या करते हैं, जब इन्होंने जैसे खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ड्यूटी पे हैं, तो एक सर्टेन चैनल होता है, मिसाल के तौर पर चैनल 5 है, वो कॉमन है, सही है, चैनल 5 जो वो क्या है, कॉमन है। तो इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जब भी आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आप चैनल 5 पे होंगे, ठीक है। तो जो भी अनाउंसमेंट हो रही है वो सारी क्या हो रही है, चैनल 5 के ऊपर हो रही है। मिसाल के तौर पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वो चैनल 5 पे हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले नॉर्मली खड़े हैं तो वो चैनल 5 पे एक दूसरे, अच्छा, आपस में भी कोई बात करेगा तो वो आवाज़ आएगी। तो चैनल 5 क्या है, वो एक फ्रीक्वेंसी है, इमेजिन कर लो कि 115 है, वो एक 115 की फ्रीक्वेंसी है, वो फिक्स है चैनल 5 पे है वो। अच्छा, जो भी बोलेगा, अच्छा, अब मगर मिसाल के तौर पर किसी को पर्सनल कोई बात करनी होती है ना, या किसी ऑफिसर ने किसी को डांट पिलानी होती है अगर, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि यार फला 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 नंबर से पाई, यार आप चैनल 2 पे आओ, सही है। अच्छा, और वो बोल के अपना चैनल चेंज कर लेता है। अब जब वो यहाँ से बोलेगा ना तो सिर्फ चैनल 2 पे आवाज़ जाती है, वो सर्टेन सिपाही जिसका नाम लिया गया वो चैनल 2 स्विच करेगा तो उसको आवाज़ जाएगी, तो ये ऑफिसर भी चैनल 2 पे, वो भी चैनल 2 पे, अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कोई और चैनल 2 पे आ गया तो वो भी सुन रहा है, ठीक है, और होता भी यही है।
अच्छा नहीं होता भी यही है, सच बात है, अगर किसी ऑफिसर ने बोला ना। अच्छा मुझे तो खैर उनका नहीं पता ऑफिसर, हाँ अभी हम आ रहे हैं सॉकेट पे आ रहे हैं, अभी हम सॉकेट पे आ रहे हैं। अच्छा तो वो होता क्या है कि जब बोलते हैं ना कि यार फला फला बंदा चैनल टू पे आ जाए, तो बाद से पता लग जाता है कि गेम उतर गई है इसकी, तो फिर क्या करते हैं सारे दोस्त यार ना, वो भी सारे चैनल टू पे आ जाते हैं चुप करके, बोलते नहीं है कुछ मुँह से, और आके जो है ना उसकी सुन रहे होते हैं बातें, फिर बाद में उसकी लेते हैं, सही है। और फिर जब रात को देर तक ड्यूटी होती है जब, तो वो चैनल फाइव क्योंकि कॉमन चैनल है, अब उस पर हज़ारों की तादाद में उसके ऊपर लोग ट्यून करके बैठे हैं, तो उसमें कुछ भी बोलोगे अब तो सबके पास आवाज़ जाती है। अब रात को देर तक हो गई, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर एक बंदा अचानक आके उस पर म्याऊँ भी करता है। अब वो सारे बोलते हैं अरे ये म्याऊँ किसने किया, फिर थोड़ी देर में वो दोबारा म्याऊँ करता है आगे, सही है, तो पता नहीं लगता कि कौन कर रहा है, तो मस्तियाँ भी चलती हैं इस तरह की। खैर तो मुझे वो उनका तो नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ टाइम एडी सेंटर में भी गुजारा है, वहाँ स्कूल के ज़माने में वहाँ पे मैं जॉब करता था कॉल सेंटर में, तो वहाँ पे उनकी जो कम्युनिकेशन है एम्बुलेंसेस की वो वायरलेस पे होती थी, तो वहाँ पे ये वाली हरकतें बहुत होती थी, तो मतलब डायलॉग बाजियाँ करते थे रात को वो। अच्छा हमारे पास जो हेड ऑफिस के अंदर जो सेट होता है ना, तो उसमें उनके पास तो नहीं दिख रहा होता, उनके पास छोटा वाला होता है, हमारे पास जो होता है वो बड़ा वाला होता है, उसमें वो CLI लगा होता है, तो CLI में दिख रहा होता है कि ये म्याओ किस डिजिट से आया है, तो हमें पता लग जाता था कि कौन है ये, लेकिन खैर हम इग्नोर कर देते थे, हम कहते थे यार खैर है अभी बच्चे रात को मतलब मस्ती करेंगे तो जागते रहेंगे वरना सो जाएंगे, तो हम उनको छेड़ते नहीं थे, लेकिन हमें पता लग जाता था कि कौन कर रहा है ये, क्योंकि सबकी एक आइडेंटिफिकेशन है जो भी ट्यून करके बैठा है। इसी तरीके से जब आप रेडियो के सेट पे चैनल ट्यून करते हैं, तो रेडियो के स्टेशन वालों को पता लग जाता है कि आपने ट्यून किया हुआ है, आपकी एक आईडी वहाँ जा रही होती है कि अच्छा एक यूज़र कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह जब आप टीवी का चैनल ट्यून करते हैं, तो टीवी स्टेशन वाले को पता लग जाता है कि इसने मेरा चैनल ट्यून किया हुआ है, वहाँ पे आपकी आईडी शो हो जाती है, ठीक है, और उसी से TRP जनरेट होती है ना, कि एक प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम जैसे ही ये प्रोग्राम लाइव होता है तो 10,000 एडिशनल यूज़र कनेक्ट हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि TRP ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा बना हुआ है इनका, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन आपको मैंने एक मोटे मोटे समझाई कि क्या चक्कर है वायरलेस कम्युनिकेशन का। अच्छा हाँ नहीं नहीं रेडियो में नहीं होता वो, मैं बता रहा हूँ कि पता लग जाता है, हमें पता होता है, मतलब हमारे पास अगर जो हेड ऑफिस के अंदर हमें पता होता है कि इस वक्त हमारे पास 200 रेडियो सेट इस वक्त कनेक्टेड हैं नेटवर्क के साथ, वो जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है हमें वो भी पता लग जाता है कि यार ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, सही है। लेकिन अवेयर उसका सीन ये होता है, जो कम्युनिकेशन रेडियो होता है ना उसका तो सीन ये होता है कि बटन दबाते हैं तो कनेक्ट होता है, जब तक आप बटन नहीं दबाते कोई आवाज़ नहीं जाती, उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, हर वक्त दबा ही रहता है वो, बोलोगे जैसे फ़ोन कॉल है, फ़ोन कॉल फुल डुप्लेक्स होता है, फ़ोन कॉल में इधर से भी आवाज़ जाती है उधर से भी आती है, वायरलेस में ऐसा नहीं होता, वायरलेस में जब बटन दबाते हो ना तो थोड़ी देर के लिए आपका वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आवाज़ आना, आपकी आवाज़ जाती है सिर्फ। तो वेल ये एक अलग सिस्टम है कि उसमें TRP सिर्फ ये TV चैनल और रेडियो में TRP होता है। रेडियो क्या होता है, वो वन वे होता है, वो तो हाफ डुप्लेक्स भी नहीं होता, वन वे होता है वो बिल्कुल ही, आप यहाँ से कुछ बोल नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। जो कम्युनिकेशन रेडियो होता है वो टू वे होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी एक स्पीकर है वहाँ भी एक स्पीकर है, यहाँ से भी आवाज़ जाती है वहाँ से भी आती है। अच्छा तो ये जो टॉपिक है ना, दिस इज एक्चुअली क्या है, चैनल वन, ये चैनल वन है। अब मैंने क्या किया हुआ है, चैनल वन पे क्या किया हुआ है, ट्यून किया हुआ है। अब सर्वर जब चैनल वन पे कोई चीज़ भेजेगा ना, तो जितने भी क्लाइंट हैं, ये तो मैं एक क्लाइंट हूँ ना, मैं एक मोबाइल ऐप हूँ, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है सर्वर से, और मैंने कहा कि यार ये टॉपिक है इस पे मैं ट्यून कर लेता हूँ, सही है, इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, ट्यून कर लेता हूँ, ये मैंने रखा चैनल फाइव, तो ये टॉपिक चैनल फाइव लिख दिया मैंने। तो अब सर्वर से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लिख के ट्यून किया हुआ है चैनल फाइव, तो सर्वर जब चैनल फाइव पे डेटा डालेगा ना कुछ, तो वो सारे लोगों के पास पहुंचेगा जिन जिन लोगों ने चैनल फाइव को ट्यून किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो उनके पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जस्ट लाइक वो एहलकार कि भाई ऑफिसर ने बोला भाई चैनल टू पे आ, वो सारे पीछे पीछे चैनल टू पे आ गए बताए बगैर, तो कोई भी बगैर बताए अगर इस चैनल पे ट्यून कर ले उसको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन शर्त ये कि उसको ये भी पता होना चाहिए ना, उसको ये भी पता होना चाहिए वो कनेक्ट अगर है इससे, इसकी ये URL पता है उसको और वो चैनल फाइव पे ट्यून हो गया, तो अब वो भी वही सुन पा रहा है जो आप सुन पा रहे हैं एक स्पेसिफिक सर्वर से जो आप सुन पा रहे हैं, सही है। अच्छा फिर सॉकेट के अंदर एक बेनिफिट क्या है जो कि रेडियो में कम्युनिकेशन रेडियो के अंदर नहीं होता, वो कि कम्युनिकेशन रेडियो में अगर आप चैनल टू पे गए ना तो फाइव को छोड़ के गए आप, ठीक है, फाइव को आप छोड़ के गए इसमें, लेकिन क्या होता है एक ही वक्त में दो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, दोनों चैनल का डेटा आएगा,
है ना। जैसे अब मिसाल के तौर पे हमें किसी ड्राइवर को कुछ कुछ समझाना है, कुछ बताना है, बात ज़रा लंबी हो रही है, अगर हम हेड ऑफिस में बैठे हैं एम्बुलेंस वाले को कोई बात समझानी है तो हम रेडियो पे उसको समझा रहे हैं, सही है। अब अगर बात हो रही है लंबी, उसको समझ नहीं आ रहा, वो बार बार पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं यार ऐसे मुड़ो ऐसे मुड़ो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार आप दूसरे चैनल पर आओ, हम कहते हैं चैनल नंबर 1 पर आओ आप, उधर आपको समझाते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि चैनल 5 जो है वो क्या है, वो एक इमरजेंसी चैनल है, क्योंकि सब लोग उस पर ट्यून करके बैठे हुए हैं। कहीं पे भी बम धमाका होगा तो हम बोलेंगे चैनल 5 पे बोलेंगे हम कि बच्चों सारे भागो उधर, वहाँ पे बम धमाका हुआ है, बंदे उठाओ जाके, सही है। तो चैनल 5 को अगर छोड़ के कोई आ रहा है ना चैनल 1 पे डांट सुनने के लिए, अगले की डांट खुद सुनने के लिए, तो ये मतलब हेड ऑफिस की तरफ से ये चीज़ इलीगल है, अलाउड नहीं है। एक ड्यूटी पे खड़े हुए बंदे के लिए, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो या चाहे वो पुलिस वाला हो, अगर उसको एक चैनल पे एलोकेट किया गया कि आपने ये चैनल ट्यून रखना है, तो इट मींस कि वही चैनल ट्यून रखना है। जब तक कोई ऑफिसर या कोई हेड ऑफिस का बंदा आपको बोलेगा नहीं कि आप इस चैनल को छोड़ो, जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा कि जितनी देर वो छोड़ के बैठा हुआ चैनल किसी और पे मूव कर रहा है, उतनी देर में क्या होगा, कोई अनाउंसमेंट हुई तो मिस हो गई, तो उसकी गेम उतर भी सकती है ना। तो लिहाजा क्या होगा कि आप एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पर मजबूरी की सूरत में जाते हैं या इंतहाई ज़रूरत की सूरत में जाते हैं, अदरवाइज़ चैनल आप छोड़ते नहीं हैं, चैनल आप फिक्स होता है आपका। तो इसमें लेकिन क्या एक बेनिफिट है रेडियो से, जो एक समझ लें एक लेवल ऊपर है ये, कि इसमें एक साथ आप 2 चैनल या 3 चैनल या 10 चैनल या 10,000 चैनल को भी लिसन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात कि जैसे ये ना चैनल 5 पे मैंने एक लिसन किया हुआ है, अब उनके केस में तो रेडियो कम्युनिकेशन केस में ना 10 ही चैनल और 10 फिक्स हैं। इसमें मैं कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिख के नया चैनल भी बना सकता हूँ, मैं कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिख दूंगा, यहाँ मेरा चैनल बन गया, ठीक है। कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिख के मैं चैनल बना दूंगा। अब सर्वर को नहीं पता उस चैनल का, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ट्यून हो चुका हूँ उसके ऊपर। सर्वर को ना भी पता हो मैं ट्यून हो चुका हूँ, फिर भी कुछ डेटा नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, लिहाजा अगर मैं ऐसा कर लूँ कि जिस बंदे को मुझे नोटिफिकेशन भेजना है, उस बंदे की यूज़र आईडी जो है उसका चैनल बनाऊं वहाँ से और उस पर भेजूँ, और हर बंदा अपने अपने यूज़र आईडी पे लिसन करे, तो इसका मतलब मैंने हर यूज़र को इंडिविजुअली कनेक्ट कर लिया, सही है। क्योंकि सर्वर पे जब मैं मैसेज भेजता हूँ ना, तो उसमें मैं बताता हूँ कि यार ये मैसेज तैयार किया, मैसेज तैयार करने के बाद मैं बोलता हूँ डॉट ब्रॉडकास्ट और चैनल बताता हूँ कि इस चैनल पर ब्रॉडकास्ट मार दो, तो उस चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है, नो मैटर कि उस चैनल पे कोई मौजूद है या नहीं है, नो मैटर, वो कर देता है ब्रॉडकास्ट अपना काम, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, जब इस बंदे के लिए कोई मैसेज आएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये मैसेज है डॉट ब्रॉडकास्ट और चैनल का नाम बता दूँगा कि यार इस चैनल से जाके क्या कर लो आप, इस चैनल पे ब्रॉडकास्ट मार दो। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लाइंट के ऊपर मैं ये टॉपिक नहीं लिखूँगा ये, बल्कि इस जगह पे इस यूज़र की अंडरस्कोर आईडी लिख दूँगा, ठीक है। तो लिहाजा क्या होगा कि मेरा एक बिल्कुल प्राइवेट चैनल बन जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्राइवेट चैनल बन जाएगा, उस चैनल का किसी और को पता ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल ये सिक्योर नहीं हुआ, फिर भी सिक्योर करने के इसके और तरीके हैं, लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, अभी इतना ही मेरे ख्याल है आज के लिए काफ़ी हो गया है। अच्छा, अभी इसका कोड इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, ये अभी थ्योरी की हद तक काफ़ी है, थ्योरी वैसे बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, वेल पूरा कर देता हूँ, थ्योरी तो पूरी कर लें कम से कम। अच्छा, जब मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको जो है ना डिस्कनेक्ट कर दो, सॉकेट डॉट क्लोज कर दो। सॉकेट डॉट क्लोज करना जो है ना मेरे पास बहुत ज़रूरी है। सॉकेट डॉट क्लोज मैं कब करता हूँ, सॉकेट डॉट क्लोज मैं जब करता हूँ जब बंदा पेज को छोड़ के जा रहा है, जिस पेज पे खड़ा हुआ था ना, मैसेजेस आ रहे थे जिस पेज पे, उस पेज को छोड़ के कहीं और मूव कर रहा है, नेविगेशन बार में कहीं और क्लिक कर दिया उसने, किसी दूसरे पेज पे जा रहा है, तो अब लिहाजा मैं क्या करूँगा, उसका सॉकेट क्लोज करूँगा मैं, क्योंकि सॉकेट को क्लोज करना बहुत ज़रूरी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फोर्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम सर्वर, ठीक है। अच्छा, जब ये सॉकेट डॉट क्लोज मारूंगा मैं, तो सर्वर के ऊपर जो मेरी पर्ची सेव है ना, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, सर्वर के ऊपर जो रिसोर्स ऑक्यूपाइड था वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा और सर्वर की रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगी। ये तो क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम क्या करते हैं, जब भी हमारी रिएक्ट के किसी कंपोनेंट में सॉकेट की लिसनिंग हो रही होती है, तो उसमें यूज़ इफेक्ट में एक क्लीनिंग फंक्शन होता है, याद है आपको, रिटर्न वाला, तो वो जैसे ही कंपोनेंट छोड़ के जाता है वो फंक्शन चलता है, उस फंक्शन में उसको मैं क्लोज़ करवाता हूँ। या फिर वैसे भी अगर वो रिएक्ट की ऐप नहीं भी है, तो नेविगेशन बार में जब कहीं और क्लिक होता है ना, तो पहले मैं क्लोज़ मारता हूँ फिर मूव कराता हूँ अपना पेज,
ठीक है, या समहाउ मैं क्या करता हूँ, इसको समहाउ मैं क्लोज ज़रूर करवाता हूँ। तो क्लोज करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं, और इवन अगर पेज रिफ्रेश भी किया है बंदे ने, तो पहले मैं सॉकेट को क्लोज करवाता हूँ फिर रिफ्रेश करता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, पेज रिफ्रेश करेगा, क्लोज नहीं किया मैंने, वो तो खत्म हो गई सारी जावास्क्रिप्ट। अब नए सिरे से जब पेज लोड होगा तो क्या होगा, दोबारा कनेक्ट चलेगा, डबल कनेक्ट हो जाएगा, डबल कनेक्शन बन जाएगा। फिर एक और दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, एक और बन जाएगा, डबल ट्रिपल चार हज़ारों की तादाद में बन जाएगा वो, ठीक है। लिहाजा मेरे सर्वर पे रिसोर्स ऑक्यूपाई होती ही चली जाएगी। तो क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने टाइम आउट लगा के 3 सेकंड बाद इसको ऑटो क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। अच्छा, और मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑन डिस्कनेक्ट, जब मैं क्लोज़ का फंक्शन कॉल करूँ और सक्सेसफुली डिस्कनेक्ट हो जाए तो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है कि भाई डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सर्वर आ गया। अच्छा, तो ये तो मैंने क्लाइंट की साइड आपको बता दी पूरी। अब सर्वर पर ये किस तरह हो रहा है वो ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। ये आ गया अब जी मेरा सर्वर। सर्वर के ऊपर एज यूजुअली हमारे पास एक्सप्रेस का सर्वर बना हुआ ही है, और सॉकेट डॉट आई ओ करके एक लाइब्रेरी है जो यहाँ पे इंपोर्ट हुई हुई है। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक क्रिएट सर्वर ना HTTP से भी लिया। HTTP क्या चीज़ है, एक नॉट जी एस की एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसको मुझे इंस्टॉल नहीं करना होता, जस्ट मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट हो जाती है। जैसे FS की लाइब्रेरी, उसको मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसी तरह पाथ की लाइब्रेरी, उसको मुझे इंस्टॉल नहीं करना, तो ये वन ऑफ दोज लाइब्रेरी जिसको मुझे इंस्टॉल नहीं करना होता। इसमें से क्रिएट सर्वर का एक मैंने फंक्शन निकाला है, ठीक है। ये क्रिएट सर्वर का फंक्शन कौन सा फंक्शन है, जो सर्वर को क्रिएट करता है। जब हम ऐप डॉट लिसन करते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन ये फंक्शन चलता है। जब हम ऐप डॉट लिसन बोलते हैं तो सर्वर मेरा लिसनिंग शुरू कर देता है ना, तो उसके बिहाइंड द सीन ये फंक्शन होता है। तो अब क्या होगा, मैं ऐप डॉट लिसन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब दो सर्वर्स हैं। आप नोट करें, यहाँ पे दो बाकायदा सर्वर बन गए हैं। एक है HTTP सर्वर, एक है वेब सॉकेट सर्वर। एक ही मशीन पर दोनों चल रहा है। ये दो अलग अलग मशीनों पर भी हो सकता था, बाय द वे। ये भी हो सकता था कि मैं इसके लिए बिल्कुल एक अलग ऐप बनाऊँ, ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी दोनों एक ही मशीन में चल रहा है। एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज़ किया, पोर्ट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये कुछ APIs बनी हुई हैं। APIs बनने के बाद मैंने क्या किया, इस ऐप को डॉट लिसन नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, क्रिएट सर्वर के फंक्शन में डाला इसको, और इसके ज़रिए एक सर्वर तैयार करके निकाला। ये इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये इस सर्वर के ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, सर्वर की लिसनिंग शुरू नहीं हुई अभी। तो मेरा जो था, ये HTTP की जो ऐप थी, जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाली ऐप थी, उसको मैंने क्या कर दिया, सर्वर के ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अभी सर्वर की लिसनिंग शुरू नहीं हुई। उसके बाद मैंने क्या किया, सॉकेट आईओ का एक ऐप तैयार की। ये दो ऐप तैयार होगी मेरी और एक ही सर्वर पे चलेगी वो, ठीक है। सॉकेट आईओ वाली ऐप चलाई, इसमें भी मैंने ये सर्वर का ऑब्जेक्ट पास किया। मैंने कहा यार ये ऑब्जेक्ट है, इसी में होगा, ठीक है। ये आईओ बन के निकला। अब ये क्या बन चुका है, आईओ बन चुका है। और अब इन दोनों को इकट्ठे लिसन करूंगा मैं। इन दोनों को इकट्ठे लिसन मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ। ये रहा सर्वर डॉट लिसन। जब दोनों को एक ही में घुसाया मैंने और लिसन कॉल किया, सही है। अच्छा, तो ये लिसनिंग हो गई। HTTP की ऐप तो आपको पता है, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, एज यूजुअल। अब ये सॉकेट वाला जो नया बना है ना मेरे पास, इसमें मेरे पास मैंने क्या किया हुआ है, आयो डॉट ऑन कनेक्शन। ये एक इवेंट रजिस्टर किया है मैंने। ये इवेंट कब चलेगा, जब एक बंदा मेरे पास आएगा और बोलेगा ना कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करो बोलेगा वो, जब एक यूज़र आके ना मेरे पास ये वाली बात बोलेगा, जब कि भाई आईओ से कनेक्ट हो जाओ, इस सर्वर से कनेक्ट हो जाओ, तो मेरे सर्वर से वो ना सिर्फ कनेक्ट हो जाएगा बल्कि क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट वो भी चल जाएगा। इतना पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि मैंने नए कनेक्शन पर ये पार्ट चलवाया। इस पार्ट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसमें कॉन्सोल लगाया कि भाई न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, एक तो ये कॉन्सोल लगा दिया। दूसरा मैंने बोला सॉकेट डॉट इमिट, सॉकेट डॉट इमिट बोला है मैंने। सॉकेट डॉट इमिट का मतलब है कि जितने भी मेरे पास, सॉरी सॉकेट डॉट इमिट जो है ना, ये क्या है, ये अभी जो यूज़र कनेक्ट हुआ है उसका हैंडल है। तो मैंने बोला कि यार अभी जो यूज़र कनेक्ट हुआ है ना, उसके ऊपर इमिट मारो टॉपिक वन पे, और ये सम डेटा कनेक्ट इमिट मारो, तो ये डेटा उसके पास पहुँच जाएगा बंदे के पास, जो अभी भी कनेक्ट हुआ उसके पास पहुँच जाएगा ये। अच्छा ठीक है, तो ये एक मैंने यूज़र कनेक्ट करवाया और उसको मैंने रियल टाइम में एक मैसेज भेज दिया। अच्छा, अब मैसेज मुझे ये वाला रियल टाइम में तो भेज दिया मैंने, जैसे ही कनेक्ट हुआ वैसे ही भेज दिया, लेकिन अब मुझे बाद में भी भेजना है मैसेज इसको। मुझे क्या करना है, इसको बाद में भी मैसेज भेजना है। तो अब मैं क्या करूँगा, बाद में मैसेज भेजने के लिए
मैं किसी भी जगह पे जाके बोलूँगा io.emit. io.emit का मतलब है कि तमाम यूज़र को ये भेजा जा रहा है, तमाम यूज़र को भेजा जा रहा है, टॉपिक ये वाला है और ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने जो है ना यहाँ भेज दिया, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर ये मैंने पूरा ऑब्जेक्ट भेज दिया। तो ये जिस जिस ने ये टॉपिक लिसन किया हुआ होगा ना तमाम यूज़र में, उसको ये ऑब्जेक्ट पूरा मिल जाएगा। टॉपिक की जगह कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आईडी लगाने से ये सिक्योर नहीं होगा, ये याद रखो। आईडी अगर यहाँ आईडी लगा दोगे ना, उससे ये सिक्योर नहीं होगा, ये याद रखो। सिक्योर करने के तरीके और हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी वो डिस्कस करेंगे तो कहानी और हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आईओ पे डॉट करके इमिट मारूंगा तो तमाम यूज़र के पास जाएगा, और इस वाले सॉकेट के ऊपर डॉट इमिट मारूंगा तो जो अभी कनेक्ट हुआ है उसके पास जाएगा। हाँ, अब वो अच्छा सवाल है। देखो ये मैंने क्या किया हुआ है, इतने कोड में सेट इंटरवल किया हुआ है, इसका मतलब कि हर दो सेकंड पे ना ये कोड चलेगा, इतना इतना कोड हर दो सेकंड पे चलेगा, लिहाजा हर दो सेकंड पे एक इमिट होगा डेटा। किस पे इमिट होगा? इस चैनल पे, और हर दो सेकंड पे ये चीज़ यहाँ पे जा रही होगी यहाँ से। तो मैंने जब यहाँ पे किया हुआ है तो मैं कहीं पे भी इसको रिक्वायर करूँगा, जगह कहीं पे भी मैं क्या करूँगा, इस आयो को रिक्वायर करूँगा। कहाँ गया वो आयो मेरा, ये वाला आयो, और कहीं से भी डॉट इमिट करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा अब होगा क्या, लिहाजा अब होगा ये कि मैं अगर किसी को मैसेज भेज रहा हूँ तो मुझे उसकी आईडी पता है ना, मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ तो मुझे उसकी आईडी पता है, तो मैं उस जब मैसेज भेजने वाला फंक्शन चलेगा सर्वर पे तो उस बंदे को मैं एक पुश करूँगा डेटा। अच्छा, पुश में मैं क्या भेजूँगा, मैं वो पूरा का पूरा एक्चुअल मैसेज भी भेज सकता हूँ जो उसको जाने वाला है, पूरा मैसेज भेज सकता हूँ, या जस्ट मैं एक पिंग भी भेज सकता हूँ। मैं पिंग भेज सकता हूँ कि बच्चा आपका एक नया मैसेज आया, आप चेक करो, और मेरे मैसेज जाने पे वो फैच कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस काम को करने के लिए एक नई अप्रोच भी लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने आप में से फायरबेस का डेटाबेस पढ़ा हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। इसके लिए एक अप्रोच ये भी करते हैं कि फायरबेस के अंदर ना कीज़ बना लेते हैं यूज़र आईडी के नाम से, और हर बंदा उसको लिसन कर लेता है, और वहाँ पे 0101 करते रहते हैं, ये खुद ही फैच करता है यहाँ से, सही है। तो अगर इस तरह से करते हैं फिर हमें सॉकेट का सर्वर बनाने की इटसेल्फ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये शॉर्ट लिफ्ट वाले में सारे यही कर रहे हैं आजकल, फायरबेस का एक डेटाबेस बना लेते हैं, मतलब फायरबेस के डेटाबेस को एज अ डेटाबेस तो यूज़ नहीं कर रहे, एज अ सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर ना वो 0101 कराते रहते हैं और वहाँ से खुद ही फैच करते हैं, सही है। जिनको समझ आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया वो इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीका ये है उसको करने का, वो नहीं है, वो जुगाड़ है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, इन्होंने शॉर्ट लिफ्ट पे डिप्लॉय मारे होते हैं सर्वर, और रियल टाइम भी इनको अचीव करना होता है, तो वो क्या करते हैं फायरबेस का डेटाबेस लगा लेते हैं, लेकिन उसमें वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, बस उसको वो 0-1 करते हैं, दैट्स इट, और 0-1 करके उसको वो चला रहे होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह का एक सॉकेट का सर्वर सेट करूँगा अपने पास, ये मेरा सर्वर आ गया, और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि पोस्ट मैसेज है ना, ये पोस्ट मैसेज में मुझे ये पता लग जाता है डेटाबेस में कि फ्रॉम की आईडी क्या है और टू की आईडी क्या है। तो मैं यहाँ पे रिस्पांस भेजने से पहले, यानी ये वाला रिस्पांस भेजने से पहले, इस जगह पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि io.emit ऐसे करूँगा मैं, सही है, सम चैनल, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सम मैसेज, ठीक है। यहाँ पे मैं जब ये फंक्शन चलेगा ना मैसेज भेजने का, डेटाबेस में तो राइट हो चुका है ना इस पॉइंट तक, तो मैं किसी चैनल पे कुछ मैसेज भेजूंगा, उसके बाद इसको मैं यहाँ से रवाना करूँगा वापस। तो लिहाजा क्या होगा कि किसी चैनल पे कहीं भेजूंगा, किसी को पता लग जाएगा कि एक नया मैसेज आया, वो फैच कर लेगा, या वो पूरा मैसेज ही मैं यहाँ लिख के भेज दूंगा इस सम मैसेज की जगह पे, इस सम मैसेज की जगह पे मैं ये लिख के भेज दूंगा, ऐसे लिख के भेज दूंगा। अच्छा, याद रखें कि इसके अंदर जो है हम हर तरह का डेटा नहीं भेज सकते, ठीक है, कुछ लिमिटेड सी चीज़ होती है हमारे पास, हम एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं और एक स्ट्रिंग भेज सकते हैं, लेकिन जेसन में जो कुछ भी जाता है हम सब कुछ यहाँ से भेज सकते हैं, हम किसी चीज़ को स्ट्रिंगिफाई करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है ऐसा कि टेक्स्ट वेक्स पे कोई लिमिट है, तो खैर लिमिट रहती होगी, हमारे लिए नहीं है, हम उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे, वहाँ जाके पार्स कर लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन भेजना है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेज देंगे, ठीक है। तो वेल हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या लिमिटेशंस भी हैं कुछ, कि मतलब क्या भेज सकते हैं क्या नहीं भेज सकते, उसकी लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह करके आईओ डॉट इमिट करेंगे हम, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आज हमने ये सॉकेट की थ्योरी पूरी समझ ली।
हाँ सही है। नहीं तो आप इसको देखो इस तरह भी कर सकते हो ना कि उसमें की लगा दोगे आप डिलीटेड ट्रू, दैट्स इट, डिलीटेड बाय सेंडर, डिलीटेड बाय यूजर, और एक को ट्रू कर दोगे तो उसके बाद नहीं दिखेगा वो। दोनों डिलीट कर देंगे तो दोनों की साइड से ट्रू हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस से वो एक्चुअल में फिर भी डिलीट नहीं होगा, डेटाबेस में वो रहेगा। ये सारे यही करते हैं। आप मैसेंजर पे किसी को मैसेज किया, आपने आपने डिलीट कर दिया, उसने भी डिलीट कर दिया, लेकिन वो मैसेज फिर भी मैसेंजर वालों के पास स्टोर होता है, वो नहीं डिलीट होता। ये याद रखो, इंटरनेट पे किसी भी साइट से आप कोई डेटा डिलीट करते हो ना अपना, वो डिलीट नहीं होता, उसमें की होती है इज डिलीटेड ट्रू, बस उसको ट्रू कर देते हैं, वो आपको नहीं दिखता, लेकिन वो डेटाबेस में वो मौजूद रहता है। ठीक है, मोस्टली यही प्रैक्टिस है। हैं क्या हो गया, वर्सल में कैसे हो जाता है? व्हाट्सएप वालों का तो क्लेम ये है कि उनका अपना कोई डेटाबेस ही नहीं है, पहला तो उनका क्लेम ये है। व्हाट्सएप वाले बोलते हैं कि हम सिर्फ जब तक सामने रिसीव नहीं हो जाता ना, जब तक हम अपने पास रखते हैं, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, जब रिसीव हो जाता है तो अपने पास से हटा देते हैं। कह रहे सिर्फ बफर बनाते हैं, हम स्टोर नहीं करते, इस तरह की को बात करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या एग्जैक्टली बात है। ठीक है, स्काइप में पहले एक ज़माने में ये हुआ करता था। स्काइप में ये होता था कि एक मशीन से जब मैसेज भेजते थे ना, तो वो सेंड होता ही नहीं था, अगर सामने वाला लॉगिन नहीं है ना, वो सेंड ही नहीं होता था। सामने वाला ऑनलाइन होगा तो मैं रीसेंड करूंगा तो सेंड होगा, और जब उसके बाद पहुंचेगा तो बीच में कोई सर्वर नहीं होता था। इसको हम कहते हैं पी टू पी कनेक्शन, पीयर टू पीयर, के इस कंप्यूटर से डायरेक्ट अगले कंप्यूटर पे जा रहा है, बीच में कोई सर्वर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जो ये अप्रोच कर रहे हैं अभी, हमारी वाली, दिस इज़ नॉट अ पी टू पी अप्रोच, ये पीयर टू पीयर अप्रोच नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सर्वर वाली अप्रोच कर रहे हैं कि मैसेज जाएगा सर्वर पे, स्टोर हो जाएगा, जो जो कनेक्ट होगा सर्वर से उसको अगर एक्सेस है तो वो देख सकता है। ठीक है, जब तक सर्वर पे मौजूद रहेगा वो देख सकता है। सही है, ये वाला सीन है। सही है, तो अच्छा अगेन एक और बात, जैसे दोस्त ने सवाल किया था उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात कि यार अभी तो मैंने ना इसका एक स्कीमा बनाया है कि एक ही मैसेज है कलेक्शन और वो दोनों को दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्त के जहन में ये सवाल है कि अगर एक ने डिलीट किया तो क्या वो दूसरे के लिए भी हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता अगर, तो अगेन इस स्कीमा को बनाने के ना और भी कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरह से बनाया ये भी तरीका ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ये फेल हो जाएगा। तो एक ही काम को करने का हमने देखा है कि कोडिंग में प्रोग्रामिंग करते हुए एक ही काम को करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो आप इंटरनेट पर देखेंगे जाके कि यार इनबॉक्स का स्कीमा लोग और कैसे बना रहे हैं, तो आपको अलग अलग तरह के स्कीमा दिखेंगे। काम सेम हो रहा होगा, मैसेज एक दूसरे को भेजा जा रहा होगा, लेकिन अलग अलग तरह के स्कीमा आपको मिलेंगे। अच्छा, ये जो स्कीमा है इसमें शायद कहीं ना कहीं ये मेरा डेटा स्टोरेज सेफ कर रहा है कि एक ही मैसेज दो जगह स्टोर नहीं होता, एक जगह स्टोर होता है, तो ज़रा साइज़ कम ले रहा है ये। ठीक है, लेकिन इसका डाउन साइड ये निकल के आ रहा है कि उसको मैं डिलीट करूं तो डिलीट करना मसला है, तो मैं इस डिलीटेड ट्रू लगा के गुजारा कर लूँगा। ठीक है, अगर ये डिलीट करता है भाई डिलीटेड बाय रेसिपिएंट या डिलीटेड बाय सेंडर, तो जो एक डिलीट कर चुका है उसको नहीं दिखेगा, बाकी को दिख रहा होगा। हाँ, स्कीमा के अंदर सही है भाई। तो ये हमने थ्योरी पढ़ ली, इसमें इस थ्योरी में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकल करेंगे। और हमारा जो ये SMS की जो ऐप है हमारी मैसेज की, इसको रियल टाइम बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली। हाँ, रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा भाई, ये तो लॉग आउट ही हो गया। खाली खाली आ गया। अच्छा, वो ब्लैंक में अलाउ कर रहा हूँ ना सर्वर पे, असूलन मुझे ब्लैंक अलाउ नहीं करना चाहिए। यार मेरे पास तो ब्लैंक नहीं जा रही है। अच्छा, स्पेस करूँगा तो चला जाएगा ना, नहीं जा रहा भाई स्पेस में भी, नहीं जाना तो नहीं चाहिए, मैंने हैंडल तो किया हुआ है, क्योंकि स्पेस को ना वो फॉल्सी वैल्यू कंसिडर करता है ना, स्पेस को वो फॉल्सी वैल्यू कंसिडर करता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये वाला है ना, ये वाला जो है k
देखिए भाई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट मैसेज, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग को ये फॉल्सी कंसिडर करता है, तो ये 403, अच्छा 403 नहीं हो रहा बाई द वे, 500 हो रहा है। अच्छा नहीं, मेरा सर्वर इधर क्रैश हो रखा है ना। ओह यस, क्या हो गया? हो गया। अच्छा अब मैं स्पेस लगाता हूँ इसमें और मैं भेजता हूँ। यार चला गया, पहले वाला कैसे चला गया यार? अच्छा बगैर कुछ लिखे भी भेज रहा हूँ तो चला जा रहा है, ये मैंने वैलिडेशन गलत लगा दी है शायद, ये वैलिडेशन मैंने गलत लगाई है ना। देखो ना, मैंने कहा कि यार अगर आईडी ना हो एंड मैसेज भी ना हो, दोनों नहीं होगा तो देगा, मुझे इसमें और लगाना था ना यार, यही तो मेरी मिस्टेक है। अब नहीं जाएगा ये एमटी, अब ये नहीं जाने देगा, 500 हो गया। लेकिन स्पेस भी देख रहा है, स्पेस नहीं जाएगा ना, क्यों जाएगा? स्पेस मैसेज है ना। अबे यार ये क्या सीन है, स्पेस मैसेज है ना। नहीं, स्पेस फॉल्सी वैल्यू होती है, स्पेस फॉल्सी वैल्यू होती है एज फार, नहीं यार स्पेस फॉल्सी नहीं होती, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी होती है। अच्छा मैं इसको पता है क्या करूँगा, फिर मैं लगाऊंगा डॉट ट्रिम, पता नहीं स्ट्रिंग कैसे ट्रिम होता है, खैर छोड़ो, इस पर ट्रिम लगेगा भाई दबे, ट्रिम करने के बाद फिर मैं चेक करूँगा इसको फॉल्सी और ट्रूथी के लिए। सही है जी, चलो यार।